नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव और माँ यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ थाली पीट रहे हैं अपने घर के बाहर, वहीं दूसरी ओर तस्वीर देखें किस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं उनका भी जीना मुश्किल कर दिया आरजेडी समर्थकों ने। तस्वीर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता मंगल पांडे के आवास के बाहर थाली पीटी जा रही है राजद समर्थक द्वारा। ये तस्वीरें आप देखते होंगे किस तरीके से एक तरफ जहां आरजेडी पूरे बिहार में आह्वान कर चुकी थी, वहीं अब बीजेपी नेताओं के आवास के ठीक बाहर जो वहां पर बस्तियां बनी हुई हैं उन सभी के साथ थाली पीटने का काम किया जा रहा है। और तस्वीर आप देखते होंगे वहीं बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने, बिहार बीजेपी का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने आवास है राजद के विधायक डॉक्टर रामानंद यादव का। उनके घर के बाहर भी किस तरीके से रामानंद यादव अपने घर के बाहर आकर के थाली पीट रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से प्रतिकार किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिकार कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मजदूरों की मौत पर जश्न मनाएगी। यानी कि आज जो बिहार संवाद करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी रैली कर रही है। साफ साफ अर्थ है कि एक तरफ जहां मजदूर मर रहे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, वहीं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उन्हें चुनाव की चिंता है। इन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ देर पहले क्या कुछ कहा है उससे भी हमने वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वहीं रामानंद यादव राजद के विधायक हैं, बीजेपी ऑफिस के ठीक बगल उनका घर है, वहाँ अपने घर के बाहर निकल के बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने थाली पीट रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर भी थाली पीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का जो गेट है वो आरजेडी के समर्थकों से भरा पड़ा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से प्रतिकार किया जा रहा है आगे और हल्ला बोलेगा विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो उससे क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है। जो प्रवासी श्रमिक हैं वो भी एक अहम मुद्दा बन चुके हैं, क्या वो मुद्दा विपक्ष लपक लेगा तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष को घाटा नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।